पढ़ाई में ध्यान लगाना आज के समय में हर छात्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मोबाइल, सोशल मीडिया और दूसरी चीजें हमारे दिमाग को इतना व्यस्त रखती हैं कि पढ़ाई करते वक्त ध्यान भटक जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर सही तरीके अपनाए जाएं, तो आप पढ़ाई में न सिर्फ ध्यान लगा सकते हैं बल्कि इसे लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। आइए जानते हैं 5 बेहतरीन टिप्स जो आपकी पढ़ाई को आसान और प्रभावी बना देंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टिप है, एक सही माहौल तैयार करें। पढ़ाई के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां शांति हो और कोई ध्यान भटकाने वाली चीजें ना हो। आपका टेबल और कुर्सी साफ सुथरे और व्यवस्थित होने चाहिए। ध्यान रखें कि कमरे में रोशनी अच्छी हो, क्योंकि यह आपके दिमाग को जागरूक रखने में मदद करती है। जब आप एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां सिर्फ पढ़ाई का माहौल होगा, तो आपका मन अपने आप उस काम में लगने लगेगा। दूसरा टिप है, अपना टाइम टेबल बनाएं। याद रखें, बिना योजना के पढ़ाई करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। अपने दिन का एक टाइम टेबल बनाएं और उसमें पढ़ाई के लिए अलग समय निर्धारित करें। पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। शोध बताते हैं कि 25 से 30 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने से आपकी याददाश्त और ध्यान बेहतर होता है। इस तकनीक को पोमोडोरो तकनीक कहते हैं और यह पढ़ाई में बहुत प्रभावी मानी जाती है। तीसरा टिप है, डिजिटल डिटॉक्स करें। आजकल का सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण है हमारा मोबाइल फोन। पढ़ाई करते वक्त फोन को या तो स्विच ऑफ कर दें या उसे दूसरे कमरे में रख दें। अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो तो सिर्फ वही चीजें देखें जो आपके विषय से संबंधित हों। साथ ही सोशल मीडिया को पढ़ाई के समय से दूर रखें। जब आपका ध्यान एक जगह पर होगा तो आप ज्यादा तेजी से सीख पाएंगे। चौथा टिप है, स्मार्ट स्टडी करें। हर बार ज्यादा पढ़ने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप समझकर पढ़ें। छोटे छोटे नोट्स बनाएं और मुश्किल विषयों को टुकड़ों में बांटकर पढ़ें। जो भी चीज समझ में ना आए उसे बार बार पढ़ने के बजाय उसे किसी से समझने की कोशिश करें। इसके अलावा अपनी पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए मॉक टेस्ट, फ्लैश कार्ड्स और ग्रुप डिस्कशन का सहारा लें। पांचवां और आखिरी टिप है, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब भी पढ़ाई में आपका मन न लगे तो अपने लक्ष्य को याद करें। सोचें कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। यह सोचें कि आपकी मेहनत का परिणाम आपको कैसे एक बेहतर भविष्य देगा। आप चाहें तो अपने लक्ष्य की तस्वीर या उसका कोई प्रतीक अपनी पढ़ाई की जगह पर रख सकते हैं। यह आपको प्रेरित करेगा और आपका ध्यान भटकने से रोकेगा। आखिर में एक बात समझ लें, ध्यान लगाना एक कला है जिसे थोड़े अभ्यास और सही तकनीकों के साथ सीखा जा सकता है। जब आप इन 5 टिप्स को अपनाएंगे तो पढ़ाई में आपका ध्यान अपने आप लगने लगेगा। तो आज ही इन टिप्स को आजमाएं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी।